বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই বাবু ভাজা বাদাম আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম মা তুমি কেন নাই আ জাতি হ্যায় तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हरी होती है कच्ची करी, पीले होते हैं पके आम। हरी होती है कच्ची करी, पीले होते हैं पके आम। और हमारे टोनी कुकुर भैया से तो कई गुना बेहतरीन है हमारे चाचाए बादाम। भाई हमारे प्यारे बादाम चाचा आराम से अपनी रोजी रोटी खा रहे थे, भाई अपनी रोजी रोटी का काम चला रहे थे, ये बादाम बेच के इस गाने को गा के मनोरंजन भी सबका हो रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्हीं की कोई वीडियो बना के, उन्हीं पे कोई अपना म्यूजिक का जादू चला के ये बवासीर पूरे इंस्टाग्राम पे फैला देगा। मतलब कौन से एंगल से ये बादाम लग रहे हैं यार। हम लोगों को तो बताया गया था भाई ये होते हैं बादाम भाई, ये होते हैं बादाम भाई, ये हम तो इनको ही खाते आ रहे हैं भाई शुरू से, इतने से जब से हमारे माँ बाप हमें यही खिला रहे हैं, ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं बादाम के नाम पर। और ये दो मटकते हुए से बादाम इतने वायरल हो चुके कि हर जगह शेयर किए जा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर हर जगह। अरे शर्म करो, ये ना करेंगे शर्म, क्योंकि इन्हें तो देखने में ही शर्म नहीं आ रही भाई। वैसे भी तुम्हें लगता क्या है ये देख क्या रहे हैं? कुछ ठरकी लोगों की वजह से ना ये वीडियो इतना वायरल हुआ, मैडम को इतनी सक्सेस मिली। लेकिन मैडम ने इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं किया और फिर से चली आई बादाम के नाम पे गोदाम दिखाने। कहां हमारे बेचारे चाचा बादाम कच्चा बादाम बेच रहे थे और कहां ये मैडम ने बादाम गोदाम पता नहीं क्या दिखाया। कुछ कह नहीं सकता इन चीजों के बारे में यार, मैं फैमिली के लिए वीडियो बनाता हूं मैं तो। यार एक काम करो, अभी के अभी ना इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पे बस फैमिली मटेरियल मिलता है। अब आपको तो पता ही है भाई, हमारे फैजू भैया कभी पीछे नहीं रहते। तेरी कच्चे बादाम का तो पता नहीं भाई, पर उन्होंने अपना पक्का बादाम जरूर दिखा दिया। इंस्टाग्राम पे कोई अपने कच्चे बादाम दिखा रहा है, कोई पके बादाम दिखा रहा है, तो भाई ये क्यों पीछे रहे, ये भी अपना कुछ तो जलवा दिखाएगा कच्चे बादाम पे, कच्चे बादाम कच्चे बादामों पे। हम आपको बता दें ये मोर की कोई दूसरी प्रजाति नहीं है, ये भी बाकियों की तरह इंसेक्ट्स पौधे वगैरह ही खाते हैं। और भाई आप बिल्कुल भी ऑफेंड मत हो जाना, कहीं आपको ऐसा ना लगने लगे कि इन टैलेंट से भरे गधों घोड़ों जो भी है इन लोगों ने हमारे बादाम चाचा का टैलेंट को दबा दिया हो, उनको कहीं गुम कर दिया हो, ऐसी गलत फहमी मत रहना। चंद दिनों की बात है जब हमारे बादाम चाचा बजाज आलमंड ड्रॉप के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। टैलेंट से भरी इस इंस्टाग्राम की दुनिया में सबसे पहले आए बेचारे हमारे बच्चे, फिर आए बेचारे दिमाग से पैदल बच्चे, फिर आते हैं इंस्टाग्राम पे अपने आप को गॉडफादर समझने वाले बुड्ढे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? म्यूजिक ये इंस्टाग्राम के कीड़े अब सड़कों पे भी निकल आए हैं भाई, चाचा को कहीं भी नहीं बख्शा जा रहा है भाई, जहां मिले जैसे मिले पकड़ लिया और बस शुरू। पीछे सोफी अंसारी के फॉलोअर खड़े, मतलब ही नहीं है बेचारे अंकल गाना गा रहे हैं, उनसे नजर ही नहीं हट रही लड़की। नहीं नजर हटे भी क्यों हटे नजर, टैलेंट का नंगा नाच जो हो रहा है भाई, ये इंस्टाग्राम के कीड़े इतने खतरनाक है कि सबसे देश के सबसे बड़े टैलेंट जिसे हिमेश रेशमिया जी ने चमक दी,
उसको भी नहीं बख्शा। वैसे यार एक बात बताऊं, सीरियसली सारा ब्लेम ना इन कीड़ों के ऊपर डालना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कम तो भाई ये भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो इसी ने की थी। बादाम बादाम दादा काचा बादाम भाग दिया अमर कच्ची ने वो भाजा बादाम अमर कच्ची अच्छी शुद्ध काचा बादाम काचा बादाम मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो यहां तक देखी है, तो वीडियो तो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो भाई ये है बड़ा ट्रेंडिंग मैटर, ठीक है, ट्रेंड कर रहा है, तो मैं तो जा रहा हूँ भाई एक इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए अभी के। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कच्चा बादाम अरे कच्चा बादाम, कच्चा बादाम अरे कच्चा बादाम, कच्चा बादाम कच्चा बादाम, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है।